हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग गए थे एक्चुअली एक जगह पे शेयरेबल कॉम्बो खाने के लिए। तो मैं और बुल्टी थी, ये देखिए अभी मेरा गाड़ी यहाँ पे पार्किंग किया हुआ है। तो एक्चुअली हम लोग कस्बा में गए थे बोशपुकुर के वहाँ पे, तो वहाँ पे एक शेयरेबल कॉम्बो मिल रहा था जो कि 399 में शेयरेबल है। फ्लेवर टाउन करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, बट जाके पता चला कि अभी कॉम्बो है नहीं, वो 5 बजे तक ही रहता है एंड प्री बुक करके जाना पड़ता है। तो हम लोग प्री बुक नहीं किए थे इसलिए हम लोग को नहीं मिला। तो थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि सोची थी कि आज कॉम्बो ही खाऊंगी और जाके भी वापस आ गई, खा भी नहीं पाई। तो अभी सोची कि ठीक है छोड़ो अभी और कुछ खाने के लिए, फिर मतलब मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं गाड़ी यहाँ पर इसलिए लगा दी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सब्ज़ी लेना है। तो यहीं पर बालीगंज स्टेशन के बगल में ये मार्केट है, तो हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो इसलिए इस गली में गाड़ी को पार्क करके थोड़ा अभी वेजिटेबल्स ले लूँगी घर के लिए और लेके घर चल जाऊँगी। तो मैं तो सोची थी आज कॉम्बो का व्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन आज दिखा नहीं पाई। खैर वो मैं किसी और दिन दिखा दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे शाम पे भी, अभी देखिए 9 बज रहा है वैसे रात का, तो अभी तक यहाँ पे मार्केट है बैठा हुआ और मतलब सब्जी ये सब मिलता है और एकदम फ्रेश मिलता है। तो चलिए आगे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा क्या सब्जी मिल रहा है यहाँ पे। अंगूर तो यहाँ पे बहुत तरह का फ्रूट्स और वेजिटेबल सब कुछ मिल रहा है और एकदम फ्रेश मिल रहा है। यहाँ पे फूल भी मिल रहा है और ये लोकेशन है एकदम गरियाहाट के पास ही है, तो ये है बिजोन चेतु और उसी के नीचे ही यहाँ पे ये मार्केट बैठता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा गोभी है वैन पे और मतलब स्टेशन के पास है, ये बालीगंज स्टेशन से पास ही है। और कुचो फूल এখানে সব রকমই পাওয়া যায় কিন্তু এদের কাছে কিন্তু ব্রোকলি আছে। শশা কত করে? শশা 40 টাকা দাম বেশি বলছে। और उधर पे एक बस स्टैंड भी है, S10A का डिपो है यहीं पे और एकदम मेन रोड पे ही है, तो इसलिए अच्छा है, ज़्यादा वॉक भी नहीं करना पड़ता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ, तो हम लोग को कुछ कुछ वेजिटेबल्स तो अभी लेना है। हाफ किलो नहीं भी? हाँ हाफ किलो दाओ ये चोड़ केटे 300 ग्राम 20 टका। तो ठीक है अभी मैं थोड़ा थोड़ा सामान ले रही हूँ, सामान लेके जल्दी से अभी घर जाना है क्योंकि कल फिर घर में पूजा है तो जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी से बस अभी लेके चल जाना है। अभी सुबह 8 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ। आज वैसे संडे है बट फिर भी मैं थोड़ा सा संडे के हिसाब से तो थोड़ा जल्दी ही उठी हूँ क्योंकि आज पूर्णिमा है और मुझे घर पर पूजा देना है और फिर आश्रम भी जाना है। तो आश्रम शायद मैं दोपहर को नहीं जा पाऊँगी क्योंकि पूजा देके सब कुछ करके, क्योंकि थोड़ा सा भोग भी देना है घर पे, तो इसलिए लेट हो जाएगा। तो मैं शाम में जाऊँगी आश्रम, तो उस टाइम का भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी मैं जल्दी से जाके रेडी हो जाती हूँ, नहा धो के रेडी होना है और फिर घर में ही पूजा करना है। तो आज पूर्णिमा के लिए थोड़ा सा लूची और सूजी ये मैं दूँगी प्रसाद भोग के लिए। और मैं दीक्षा ली थी राम ठाकुर का, तो इसके लिए मैं थोड़ा शिन्नी प्रसाद भी बनाऊंगी, तो वो भी मैं दूंगी। मैं जल्दी से जाती हूँ रेडी होने के लिए। यहाँ मिल्कू भी उठ गई है। क्यों है सोना, तुम्हें आश्रम जाबे? मैं तो जेते देबे ना सोना। ठीक है तो अभी जल्दी से जाके रेडी हो जाती हूँ, मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। बस यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट कर दी हूँ और कल तो मैं फूल माला ये सब लाई थी, तो एक एक करके वही सब पहले लगा दे रही हूँ, माला और फूल ये सब। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे प्रसाद बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या बनाई हूँ ये भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा देर में। तरह का फ्रूट्स यहाँ पे काट के दी हूँ और फिर मैं यहाँ पे अभी शिन्नी बना रही हूँ, तो शिन्नी ये स्पेशली मतलब गुरुदेव के लिए है और ये मैं बना रही हूँ। इसमें मतलब बनाने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस दूध केला और थोड़ा सा नारियल और मैदा यही सब लगता है और आसान है, मतलब जल्दी जल्दी मैं बना ले रही हूँ। तो ये बन गया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए थोड़ा अमावट और नारियल थोड़ा रख दी हूँ, तो ये ऊपर से दे दी काजू किशमिश सब कुछ।
तो ठीक है, अभी यहाँ पे पूजा जल्दी से ख़त्म करती हूँ और प्रसाद अभी बस दे देना है बाकी सब। और मैं थोड़ा सा लूची और सूजी भी बनाई हूँ तो वो भी दूंगी थोड़ा देर में। और यहाँ पे अभी मेरा पूजा हो गया है, बस अभी सब प्रसाद एक एक करके उठा लेना है और थोड़ा सा मुझे भी प्रसाद खाना है। अभी थोड़ा प्रसाद खाने के बाद थोड़ा भी रेस्ट करूँगी, तो पूजा पूरा डन और फिर शाम में मिलते हैं। गाइस तो अभी शाम के 5 बज रहा है और मैं अभी जा रही हूँ आश्रम। जैसे मैं बताई आप लोगों को सुबह कि शाम पे मैं आश्रम जाऊँगी, वहाँ पे अभी थोड़ा देर के बाद शाम में आरती होगा, तो आरती देख के फिर प्रसाद लेके फिर उसके बाद मैं घर आऊँगी। तो चलिए, राम ठाकुर का आश्रम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जादवपुर में है, तो मैं अभी ऑटो से जाऊँगी। यहाँ पे शायद अंदर में व्लॉग अलाउड नहीं होगा, बट थोड़ा सा मैं आरती के टाइम वीडियो करने की कोशिश करूँगी, वो शायद मे बी करने देगा। तब जो जहाँ जहाँ मैं वीडियो कर पाऊँगी मैं करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी कि क्या करी। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा देर आगे जाके मिलते हैं फिर राम ठाकुर के आश्रम के वहाँ पे। अभी मैं जादवपुर रेल भी पहुंच गई हूँ और यहाँ से एक और ऑटो से जाना है, तो पहले यहाँ से मैं थोड़ा फूल और माला खरीद ली हूँ, मतलब माला और मिठाई खरीद ली हूँ, और फिर अभी ऑटो में बैठूँगी, तो यहाँ से बस 5 मिनट लगेगा। और ये मैं पहुंच गई हूँ राम ठाकुर का आश्रम में। तो ठीक है, आश्रम के अंदर अभी मैं आ चुकी हूँ, बट यहाँ पर वीडियो और अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसके आगे और मुझे वीडियो नहीं करने देगा। तो यहाँ पर पूरा अभी आरती और ये सब हो रहा है, तो अभी अंदर चल के बस बैठते हैं थोड़ा देर। तो आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, और अभी तो बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। हाँ, मुझे मन था कि वहाँ पे आरती का और ये सब का भी दिखाने का, बट ठीक है वहाँ पे व्लॉग अलाउड नहीं था तो नहीं दिखा पाई इसलिए, और प्रसाद भी इसलिए नहीं ला पाई है क्योंकि घर में इमरजेंसी हो गया था। बट अभी ठीक है, अभी थोड़ा मतलब पापा का तबीयत उस टाइम थोड़ा ख़राब हो गया था, बट अभी ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई थी, तो और मैं कोई व्लॉग भी नहीं की थी। तो अभी बस इस व्लॉग को एंड करने के लिए भी सोची कि ठीक है वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग से फिर अगला व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।